At two points S1 and S2 on a liquid surface, two coherent waves are set in motion at t equal to 0 with same phase. The speed of the waves in the liquid is v equals to 0.5 meter per second. The frequency vibration is 5 hertz and the amplitude a is equals to 0.04. At a point P of the liquid surface, which is at a distance x1 0.3 meter from s1 and x2 equal to 0.34 meter from s2, a piece of cork floats. First, find the displacement of the cork at t equal to 3 second. Second, find the time t0 that elapsed from the moment the wave sources were set in motion until the moment that the cork passes through the equilibrium for the first time. तो सवाल क्या कह रहा है कि सपोज ये पानी की सतह है कोई और यहाँ पे कोई S1 सोर्स है विच कैन गिव आउट द डिस्टर्बेंस वेव एंड S2 है और इनसे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक बॉल रख दी है कॉर्क की, कॉर्क मटेरियल रख दिया जो फ्लोट कर सकता है, ये वेव सेंड करता है, ये वेव सेंड करता है, हालांकि अलग अलग डिस्टेंस पे हैं दोनों, ये 0.3 है, ये 0.34 है। तो पहली चीज़ जो हम फाइंड करनी है वो है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉर्क एट 3 सेकेंड। पहले देखते हैं टाइम कितना लेगा ये यहाँ तक पहुँचने में। टाइम फॉर वेव टू रीच पी फ्रॉम S1, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 0.3, स्पीड इज 0.5, सो वी गेट 0.6 सेकेंड्स, 0.6 सेकेंड पहुंचेगा। सिमिलरली T2 ले लें, अगर हम इसके टाइम पहुंचने की बात करें तो डिस्टेंस है 0.34, टाइम है, स्पीड है 0.5, सो 0.68 सेकेंड्स। तो इसको यहाँ पहुँचने में लगता है 0.6 सेकेंड और इसको पहुँचने में लगता है 0.68 सेकेंड्स और हमको टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है कॉर्क का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ध्यान सुनिए, 0.6 सेकेंड्स के बाद ये वेव इसे ऊपर नीचे करना शुरू कर देगी और उसके 0.08 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि 0.6 है 0.68 है, इसके 0.08 सेकेंड के बाद ये भी वेव पहुँच जाएगी, फिर दोनों मिक्स हो जाएंगी और दोनों मिक्स होके इसको डिस्प्लेस करेंगी। तो मिक्सिंग जो है वो कितने टाइम के लिए है वो हम देख लेते हैं। भाई ये 0.6 सेकेंड तक तो मिक्स तो मूव नहीं कर रहा, तो 3 सेकेंड पे पूछा है, तो ये इसको 2.4 सेकेंड्स तक तो ऊपर नहीं ये डिस्प्लेस करेगा। तो पहली वेव हो जाएगी 0.04, जो कि सवाल में एम्पलीट्यूड आप ऊपर देख सकते दे रखा है, ए साइन ओमेगा, और ना ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2πf, दैट इज 2π × 5, 10π रेडियन, तो 10π × 2.4 सेकेंड। तो इसको 2.4 सेकेंड मिलते हैं इसको डिस्प्लेस करने के, और 0.04 sin 10π, और इनको भाई साहब मिलते हैं 3 में से 0.68 गए तो 2.32 सेकेंड मिलते हैं। दैट मीन्स आई गेट 0.04 आप कॉमन ले सकते हैं, sin 24π प्लस sin 23.2π, ये अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा पीछे है फेज में डिफरेंस, तो यही पर टाइम की वजह से, जब टाइम डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस भी होता है, और इस उसको ध्यान में रखते हुए जब हम सुपर पोस्ट करते हैं तब हमें एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है 0.04। sin 24 जीरो हो जाएगा क्योंकि इवन पाई जीरो होता है, और sin 23.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप इवन पाई को हटा दीजिए पहले, यानी कि 22π तो गॉन, बचा 1.2π, sin 1.2π, विच इज नथिंग बट हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 1.2 × 180, दैट इज 12 × 18, इस कम्स 216, तो 0.04 साइन 216 को लिख सकते हैं, sin 180 + 36, दैट इज -sin 36। अब मैं अपना अंदाज़ा यूज़ कर रहा हूँ, 30 होता है 0.5, sin 45 होता है 0.7, तो 36 थोड़ा बीच में आता है, हम 0.6 ले लेते हैं, तो आई गेट माइनस का 0.024 मीटर और -24 mm, तो -24 mm हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क आया है एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट हम रीड करें तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड टाइम t0 दैट इलैप्स फ्रॉम द मोमेंट वेव सोर्सेज वर सेट इन मोशन until the moment that the cork passes through the equilibrium for the first time। ये देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
चलो सेकंड पार्ट सेज दैट ये सोर्स है एस वन, दूसरा सोर्स है एस टू, और यहाँ पे जो हमारा स्पॉट है पॉइंट पी, यहाँ पे हमने कॉर्क का एक पीस रख दिया है और यहाँ पर एक वेव पहुँचती है और यहाँ पर एक वेव पहुँचती है। ये वेव लेती है 0.3 मीटर्स का फासला तय करती है 0.6 सेकेंड्स में, और ये वेव 0.34 मीटर्स का फासला तय करती है 0.68 सेकेंड्स में। सवाल हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में दिस कॉर्क विल बी अटेनिंग द मीन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ से, ठीक है। यहाँ से का मतलब ये हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया टी इक्वल टू जीरो टाइम, इन्होंने लेने को बोला है जब आपने दोनों सोर्सेस को ऑन किया, जब तो 0.6 सेकेंड्स तक तो ये हम कहेंगे कि ये कॉर्क जो है ये वहीं का वहीं है, और जैसे ही इस पे वेव पहुंचती है तक ये फिर ऑसिलेट करना चालू कर देता है, और उसके ही 0.08 सेकेंड्स के बाद ये वेव भी पहुंच जाती है, फिर सुपर पोजिशन शुरू होता है। हम क्या करते हैं, सुपर पोजिशन कर लेते हैं वाई वन प्लस वाई टू ऐसे, तो इस वेव का सुपर पोजिशन करते हैं 0.04 sin ωt। मान लीजिए वेव हमने पहले लिख दी है और दूसरी वाली 0.04 sin ωt -5, क्योंकि ये थोड़ा पीछे से आ रही है और तो वो जो गैप है वो हम उसकी मदद से हम फाई निकाल लेंगे। चलिए वो गैप निकाल लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, पार्ट डिफरेंस है 0.04 मीटर, 0.3 है, 0.04 ये, और जो वेवलेंथ थी वो वी बाय एफ है, वेव इज गिवन टू अस 0.5 एंड फ्रीक्वेंसी इज 5, तो 0.1 मीटर इज वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ के बराबर का पार्ट डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस 2π का होता है, जब 0.04 तो 2π अपॉन 0.1 इंटू 0.04, दैट गिव्स अस ये टाओ 10 5, दैट इज 4π/5, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 4π/5 का। नाउ वी कैन ऐड द टू इक्वेशंस, साइन ओमेगा टी माइनस 4π/5, सो वी गेट 0.04 साइन सी प्लस साइन डी, हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज सी प्लस डी बाई टू ओमेगा टी प्लस प्लस माइनस का 4π/5 डिवाइड बाई टू, तो आई गेट ओमेगा टी माइनस 2π/5, और कॉस सी माइनस डी, तो ओमेगा टी मेरी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई टू भी करना है तो इट विल बी 2π/5। सो वी आर लेफ्ट विथ वाई इक्वल्स टू 0.04 कॉस 2π/5 साइन ओमेगा टी माइनस 2π/5। सो वी हैव गॉट 0.04 इंटू, दिस इज नथिंग बट कॉस 72, पाई बाय 5 36 होता है, 72, तो कॉस 72 आपको सॉल्व करना होगा, विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व इज साइन 18, ठीक है ना सर। हाउ टू सॉल्व साइन 18 तुरंत, देखिए जब तक आप 30 तक हो आप एक जुगाड़ फॉलो कर सकते हो, साइन 18 होगा सीधा 18 इंटू 0.017, कोई भी साइन हो अगर 30 के अंदर है तो 18 उसी एंगल को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.017 से मतलब, या फिर आप 17 याद रखें और 10⁻³ यानी कि 1000 से हमेशा डिवाइड करते रहें, ऐसे याद रख सकते हैं आप, यानी कि साइन का को कोई 29 बोले तो 29 × 17, 25 × 17, लेकिन डिवाइड बाई 1000 कर लेना क्योंकि 17 नहीं है, ये 0.017 है। एनीवेज अभी जो मिल रहा है आपको 17 × 18 18 18 × 324 होता है, 18 कम कर दो उसमें से 306 हो जाएगा, सो आई गेट 0.3306 है, 0.3 ले लेते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 2π/5, सो आई गेट 0.012 साइन ओमेगा टी माइनस 2π/5, सो माय एम्पलीट्यूड इज 0.012, हाउएवर द फेज आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स इज 2π/5 एंड दैट इज माइनस 2π/5, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द उसका टाइम फॉर द कॉर्क टू रीच एट इट्स मीन पोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज, क्या करते हैं हम, अगर हम टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को हम कहते हैं सुपर पोज्ड इक्वेशन ऑफ द टू वेव्स, ये वो इक्वेशन है दोनों वेव्स मर्ज हो गई हैं, ये दोनों वेव्स मर्ज कब होती हैं, 0.68 सेकेंड्स पर मर्ज होती हैं, 0.6 सेकेंड में ही पहुँचती है, इसको भी 0.08 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 0.68 सेकेंड्स पर ये मर्ज हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं उस 0.68 सेकेंड्स को बाद में देखेंगे,
हम जीरो जब यहां रखते हैं तो उसका मतलब कहानी यहां पे चालू हो रही है। इस पूरे सवाल में, इस सवाल में जो हम कर रहे हैं, इसमें 0.68 सेकेंड्स पर सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस कंपोज्ड वेव के लिए, एक सुपरपोज्ड, एक मिक्स वेव के लिए टाइम टी इक्वल टू जीरो ही वही टाइम है, क्योंकि पहली बार इन दोनों के मिक्स्ड वेव का वजूद ही तभी आता है जब ये दोनों मिक्स हो जाती हैं। वो कब हो रहा है? 0.68 सेकेंड्स के बाद। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ जब ये मर्ज हुई जस्ट, उस वक्त हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं 0.12 sin -2π/5। सो आई गेट 0.012 × sin, ये माइनस बाहर जाएगा और ये 2π/5 is 36। सो माइनस का 0.012 × दिस इज 72, सॉरी 2π/5 is 72। व्हाट इज sin 72? सी साइन, इसको हम अंदाजे से निकाल सकते हैं, sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है, दैट इज 0.867, और sin 90 जो होता है वो 1 होता है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 72 है तो हम 0.9 ले लेते हैं, ठीक है। तो आई गेट माइनस का 12 लाइन्स 100 है 0.0108। सो ये हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड हमारे एग्जैक्टली टी इक्वल टू जीरो पर, यानी कि जब दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई उस वक्त ये पार्टिकल -0.0108 पर था, मीटर मान लीजिए। और इसको हम आसानी आसान भाषा में लिख सकते हैं 10.8 mm माइनस में। तो अपने मीन माइनस का मतलब यह हुआ, देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है 0.012। अब ये हमारी हेल्प करेगा, हमारी यहाँ पर हेल्प करेगा एक सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में कैसे देखते हैं, मेरे पास एक सुपर इम्पोज दो वेव्स का मिक्स आ चुका है जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.012 का, ठीक है। और मेरे पास एट प्रेजेंट जो वेव है वो 0.0108 पर है। आसानी के लिए हम 12 mm, इसको 10.8 mm भी लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस में है। इसमें दिखाने का तरीका ये है कि माइनस का कहाँ होता है पॉइंट, यहाँ पर, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये रेडियस जो है वो कितना है, वो 12 mm है, ठीक है। और ये है कहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर, कितने पर, माइनस के 10.8 mm पे। ये भली माइनस 12 mm लीजिए, पहली बार मीन पोजीशन होगी जब ये, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इधर है, तो ऑलरेडी ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम से थोड़ा इधर है, और ये कहाँ जा रहा है, ये मीन पोजीशन की तरफ ही जा रहा है। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा एंगल है, ये ट्रैवल होने में जो टाइम लगेगा वही टाइम हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमने सुपर इम्पोज वेव के लिए जो हमने एक इक्वेशन में टी इक्वल टू जीरो रखा, इसका मतलब यह हुआ कि सवाल के हिसाब से जो हमने वेव्स को प्रोड्यूस किया उस हिसाब से टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या है, 0.68, नो सॉरी 0.68 सेकेंड्स है। जब कॉर्क पर वेव टच होती है, यानी कि 0.68 सेकेंड्स एज पर द क्वेश्चन, बट फॉर सुपर पोज वेव्स इट इज टी इक्वल टू जीरो, तब कॉर्क -10.8 mm पर है। लेकिन हमको उसे कहाँ पहुँचाना है, हमको उसे अपने मेन पोजीशन पर पहुँचाना है, यानी कि यहाँ पर, और ये एंगल हमको फाइंड करना है। दिस वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, हमें बस ये निकालना है टाइम क्या होता है, जितना भी एंगल ट्रेवल हुआ है डिवाइड बाय ओमेगा। अभी ऑलरेडी नो ओमेगा क्या है, इट इज 10π, क्योंकि ओमेगा होता है 2π f, और f इस सवाल में 5 हर्ट्ज है। थीटा निकालना है बस हमको, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस थीटा कैन बी सॉल्व बाय दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किससे, साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर इज 10.8, हाइपोटेन्यूज इज 12, सो वी गेट 0.9। सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.9। याद करिए हमने इसको 72 ही माना था, हमने sin 72 को ही अज्यूम कर लिया था, तो कितना 0.9, ये सर लो, तो वापस हम इसको 72 मान सकते हैं, जो कि हम पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं 2π/5 × 10π, ये कैंसिल, सो वी गेट 1/25। ओके एक बार और देख लेते हैं, 2π/5 × 10π, ये कैंसिल, सो वी गेट, हाँ 1/25 सेकेंड्स। तो सवाल में हमें स्टार्टिंग से पूछा क्या है वक्त, तो 0.68 तो हमें लेना ही है,
साथ में हम 0.04 भी लेंगे, 1/25, दैट इज 0.72 सेकेंड्स विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन।